देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवक जमीन पर उतरकर समाज की सेवा में जुटे हैं। सेवा भारती के माध्यम से खाने पीने, दवाई, मास्क या सैनिटाइजर से लेकर अन्य कई प्रकार की सहायता करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सहयोग की ये सामग्री समाज के सक्षम वर्ग से सेवा भारती तक आती है और यहाँ से जरूरतमंदों के बीच बांट दी जाती है। इसी तरह सहयोग का हाथ बढ़ाया समाज सेवी मीनाक्षी सालवे ने, जो विधिक क्षेत्र के जाने माने नाम हरीश सालवे की धर्मपत्नी हैं। वही हरीश सालवे जिन्होंने पाकिस्तान में कैद भारतीय कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ एक रुपए में लड़ा था, निर्णय भी भारत के पक्ष में रहा था। उन्हीं हरीश सालवे की पत्नी मीनाक्षी सालवे ने 1400 फेस मास्क समाज में वितरण के लिए उपलब्ध कराए हैं। अच्छी बात यह है कि ये मास्क इन्होंने लॉकडाउन के समय में घर पर ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार किए और इन मास्क को समाज तक पहुंचाने के लिए इन्हें ध्यान आया सेवा भारती का। सेवा भारती बस्तियों में काम करते हैं, घर से घर उनके रिश्ते हैं सब लोगों से, तो हमने सोचा कि they'll be the best people to call, क्योंकि हमें पता है कि सही जगह पहुंच जाएंगी चीज़ें। तो सेवा भारती ने बहुत अच्छा, बहुत जल्दी मतलब के रिस्पॉन्ड करा एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मीनाक्षी सालवे की तरह हजारों सहयोगियों की मदद से दिल्ली में सेवा भारती 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 28 लाख से अधिक भोजन के पैकेट वितरण कर चुकी है। 1,22,000 से अधिक परिवारों तक राशन की किट पहुंचाई जा चुकी है। हर एक किट में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो तेल, 2 किलो दालें, हल्दी, नमक और दूसरे मसाले हैं। साथ ही 1,20,000 साबुन, 96,000 मास्क, 40,000 ग्लव्स और 11,500 हैंड सैनिटाइजर भी जरूरतमंदों को दिए गए। जहां चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई वहां भी सेवा भारती के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जुटे। सेवा भारती की ये मदद उत्तर पूर्व के परिवारों, एकाकी बुजुर्गों, घुमंतू जातियों के परिवारों और किन्नरों के साथ गोवंश के लिए चारे और पक्षियों के लिए दाने के रूप में भी पहुंची है। अब तक हमने 179 किचन के माध्यम से लगभग 1,30,000 परिवारों को प्रतिदिन भोजन प्रारंभ से चल रहा है। अब तक हम 1,00,000 से अधिक लोगों को परिवारों के लिए राशन बना हुआ दे चुके हैं। इसी के अंतर्गत दूध के पैकेट्स, मैगी आइटम्स, गौओं के लिए 4,000 लोगों के द्वारा 70 टन से अधिक गौओं का चारा हम डलवा चुके हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ दिल्ली भर का है, देश भर में सेवा भारती के लाखों बंधु इसी तरह समाज की आवश्यकता को पूरा करने में लगे हैं। साल 2020 का कोरोना संकट सबके सामने है, इससे पहले भी सेवा भारती समाज के सामने आए संकट काल में इसी तरह लोगों की मदद करता रहा है। उड़ीसा में साल भर पहले फानी चक्रवात से हुई तबाही के बाद सेवा भारती के 13 प्रमुख केंद्रों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता दी गई। केरल में 2018 में आई भयंकर बाढ़ के समय भी सेवा भारती के 8,000 से अधिक कार्यकर्ता सहायता में जुटे। इसी प्रकार जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, नेपाल में आए भूकंप से बर्बादी हुई, केदारनाथ में जल प्रलय से भारी नुकसान हुआ, दक्षिण भारत में सुनामी ने तबाही मचाई, गुजरात के भुज में भूकंप आया, सेवा भारती के 3 दशक के इतिहास में ऐसे जाने कितने संकट काल आए जब कार्यकर्ता बंधुओं ने बगैर किसी भेदभाव के भारतीय संस्कारों और परंपराओं का पालन करते हुए समाज के हर वर्ग की सेवा की, जो इस मानव सभ्यता के इतिहास में विलक्षण ही है।